Yeah, good evening and welcome, friends. And today is lesson number 27 of our ongoing KP fourth batch. वैसे तो देखिए आज कोर्स के हिसाब से आज टुडे इज द लास्ट क्लास, बट एक हमने आपसे बोला हुआ है कि रेमेडियल मेजर्स का करूंगा, रेमेडीज का, और एक जनरल डिस्कशन करना है, और वो एक गवर्नमेंट वाला मुझे ढूंढ के निकालना पड़ेगा। दैट आई डू नेक्स्ट वीक, मैं आप लोग को बता दूंगा। होपफुली वही वेडनेसडे को ही करेंगे। तो आज सारा कुछ तो हम लोगों ने देखिए वो कर लिया है, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वी नो, यू नो, कि कैसे शादी देखते हैं, नौकरी देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, डिजीज देखते हैं, और वट एवर प्रोफेशन देखते हैं, सारा कुछ हमने वी हैव यू नो हाउस ग्रुपिंग के हिसाब से। आप यू नो, अगर हम आपसे कहूँ कि शादी कब होगी तो यू नो द कॉम्बिनेशंस, नौकरी कब लगेगी यू नो द कॉम्बिनेशंस। लेकिन अब एक कैसे एक हॉरोस्कोप जब आपके पास आएगा, एंड यू नो फॉर ए जनरल रीडिंग, फुल डिटेल रीडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, बट दैट्स वेरी डिफिकल्ट। और व्हेनेवर अ हॉरोस्कोप कम्स फॉर यू फॉर एनालिसिस और रीडिंग के लिए आता है, तो आप उनसे मतलब एक पीरियड लीजिए कि आपको कितने दिनों का आगे का चाहिए, उसके बाद फिर सिग्निफिकेटर्स और दशा, अंतर दशा, महादशा के हिसाब से उसको आप दीजिए, ठीक है। एक तो जनरल थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, फिर जैसे वो नौकरी कर रहे हैं, करियर की शुरुआत है, अगला 10 साल कैसा रहेगा, फिर दशा वाइज, दिन दशा में जो है अंतर दशा का ब्रेकअप दे दीजिए, इस साल से लेकर के इस साल ये 2-3 साल कैसे रहेंगे उसमें, और क्या क्या चीज मेन देखना है। देखिए मेन तो केपी का मैंने बताया आपको, बैकबोन जो है ना वो सब लॉर्ड है, एवरीथिंग बेसिस ऑन दिस सब लॉर्ड, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स टाइम ऑफ बर्थ इज करेक्ट। टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट होना चाहिए तभी हम केपी में हम सक्सेसफुली करेक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि तभी हमारे सब लॉर्ड्स ठीक होंगे। अगर इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द टाइम ऑफ बर्थ, तो कम से कम कस्पल सब लॉर्ड से आप जरा म्यूट कर लीजिए, किसी का वो ऑन है, कस्पल सब लॉर्ड कम से कम मत यूज कीजिए। अगर आप टाइम ऑफ बर्थ के बारे सर्टेन नहीं है, देन डोंट यूज द कस्पल सब लॉर्ड, जस्ट यूज द प्लैनेटरी सब लॉर्ड्स एंड द सिग्निफिकेटर्स, उसमें भी आपका प्रेडिक्शन सही आएगा, इट इज नॉट दैट टोटली गलत आएगा। बट BTR आपको बता दिया है हमने, BTR भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये, हाँ पहले तो आप देख लीजिए ना कि मतलब कुछ उनके इवेंट्स को मैच करा के देखिए कैसा है हॉरोस्कोप, मैच कर रहा है कि नहीं। मेन मेन इवेंट्स जो होते हैं, शादी है, नौकरी है, बच्चे कब पैदा हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब मैच करा करके देखिए। तो आज हम एक करते हैं, वी हैव डन दिस हॉरोस्कोप अर्लियर ऑल्सो, बट एक सिस्टमैटिक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे हॉरोस्कोप को हम जज करेंगे, एनालाइज करेंगे या जज करेंगे। वी विल टेक अप अ हॉरोस्कोप, ओके, एक ही एग्जांपल है, और कभी होगा तो फिर और एक आध हॉरोस्कोप कर लेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि इस बैच के बाद मैं थोड़ा सा 15-20 दिन का गैप ले रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग अनदर बैच। I have some personal work which I have to attend to. तो उस बीच में आप लोगों को कभी कोई क्लास चाहिए, कुछ चाहिए आपके आता है, तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, ऑलवेज मैसेज मी और हम मिल सकते हैं। तो लेट अस देखते हैं, लेट अस सी हाउ यू नो कैसे एनालाइज करना हॉरोस्कोप को। ओके, नाउ
ठीक है, ये देखिए आपके सामने ये हॉरोस्कोप एक खुला हुआ है, ठीक है। ये एक महिला का हॉरोस्कोप है, इसको हम लोग किसी किसी चीज के लिए पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट इनका थोड़ा सा पूरा हमने इनका एक एनालिसिस बनाया है कैसे उसको। इट इज मोर इम्पोर्टेंट यू नो हाउ टू प्रोसीड विद द एनालिसिस। आइसोलेटेड इवेंट वाइज जो आप देख लेंगे, बता देंगे या प्रेडिक्ट कर देंगे कि इस महादशा में, इस अंतरदशा में क्या क्या जो है लाइकली आपके साथ होने वाला है अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेशंस ऑफ द प्लैनेट्स एंड द सबलॉर्ड्स एंड द कस्पर सबलॉर्ड्स, बट हाउ टू प्रोसीड। तो ये आता है आपके सामने हॉरोस्कोप, तो आप कैसे मतलब उसको शुरू करेंगे, कैसे देखना शुरू करेंगे। तो देखिए हॉरोस्कोप है, हाउस सिग्निफिकेटर्स है, और यहाँ हमने लिख दिया है राहु। राहु क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, राहु का सब लॉर्ड वीनस है और राहु इज सिटिंग इन वर्गो, सो राहु इज ऑल्सो इक्वल टू मरकरी, ठीक है। और केतु का भी सब लॉर्ड वीनस है एंड केतु रिप्रेजेंट्स जुपिटर, सो विल डू वट एवर Jupiter promises because Ketu is sitting in Pisces. Untenanted planets note कर लीजिए पहले, Saturn, Jupiter, Mars, Mercury, they are untenanted planets. Untenanted cuspal sublords is very important. Saturn 4, 8 और 11 का cuspal sublord है, 4th house, 8th house, 11th house. Mercury है 6th और 12th का, Jupiter है 2 का, 5 का, 11 का, Jupiter है। तो इस बैकग्राउंड में ये सब पहले आप नोट कर लीजिए, इस बैकग्राउंड में फिर हम कैसे हाउ टू गो अबाउट इट, यू नो। पहले एक हम ओवरव्यू करते हैं हॉरोस्कोप, आई विल टेक एन ओवरव्यू। ओवरव्यू में हम क्या देखेंगे, देखिए फर्स्ट कस्प को देखना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट कस्प गिव्स यू एन आइडिया ऑफ द यू नो ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट द पर्सन इज गोइंग टू लीड। फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड के सिग्निफिकेशंस जो हैं अगर अच्छे हैं तो दैट बाय एंड लार्ज दैट नेटिव इज प्रॉमिस्ड यू नो अ रीजनेबली अ गुड लाइफ, इफ नॉट अ वेरी गुड लाइफ, डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक द प्लैनेट इज, अगर कस्पल सब लॉर्ड इज। और अगर बहुत स्ट्रांग है, अगर फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड के कनेक्शंस जो हैं इम्प्रूविंग हाउसेस हैं 2, 3, 6, 10, 11 तो अच्छा, और जनरली जो है स्मूथ लाइफ होती है। और अगर जो है वो मैलिफिक हाउसेस हैं 8 and 12 है ना, तो फिर जनरली जो है डिस्टर्ब लाइफ होती है 8 and 12। तो उसी के बैकग्राउंड में देखिए कैसे करना कैसे है हमको, थोड़ा एग्जांपल से इस चार्ट से बताया आपको समझ के, तब आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। कोई भी आपके पास आएगा तो आप फर्स्ट कस्प देखिए, कस्पल सब लॉर्ड फर्स्ट कस्पा इज राहु विच सिग्निफाइज 12-6 एट द स्टेलर लेवल 2-7-4-9 थ्रू इट सब लॉर्ड 7-4-9-5-8 थ्रू मर्करी दैट इट रिप्रेजेंट्स। ओके, सो आउट ऑफ दीज ये आप देख सकते हैं, इसमें मतलब मुझे फिर से पढ़ाने की कोई बात नहीं है। आउट ऑफ दीज द स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशंस आर ऑफ 2, 4, 9, 6, 7, 12. The first cusp represents self. So all good or bad that is to happen with the native. हमने कहा था overview of the horoscope or the overall quality of life can be gauged from the strength of the first cusp. The strength of any cusp is, you know, judged through its cuspal sublord. कोई भी घर भाव या कस्प जो है वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मैलिफिक है, तो कैसे हम जज करेंगे उसका जो सबलॉर्ड होता है ना, उसको हम देखेंगे कि उसके सबलॉर्ड के कैसे सिग्निफिकेशंस है। अगर किसी कस्पल सबलॉर्ड के सिग्निफिकेशंस सिर्फ जो है 8-12 से है, 8-12 से, तो आप समझ लीजिए उस कस्प के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने के चांसेस है। एक्सेप्ट फॉर यू नो जैसे हमने बताया 8-12 के भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं ना, जैसे कि
एट से जो है इजी मनी इनहेरिटेंस वगैरह देखते हैं, ठीक है। 12th से हम अब्रॉड जाना भी देखते हैं, बेड कंफर्ट्स है वो भी देखते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं, बट बाय एंड लार्ज 8th सपोज टू बी द मोस्ट मैलिफिक हाउस इन एनी प्लैनेट इन एनी हॉरोस्कोप। और 8th प्राइमरीली क्या रिप्रेजेंट करता है, मिजरी, मतलब सीरियस डिजीज, एलमेंट्स, एक्सीडेंट्स, डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस, obstructions, all sorts of obstructions, 8th. 12th क्या करता है, 12th negatives में करता है खर्चा, loss, ठीक है, ये negatives में करता है, jail जाना, imprisonment, all this 12th house से देखा जाता है। और positives में क्या करता है, positives में वो आपको विदेश ले जा सकता है, ठीक है, या ट्रांसफर में, ट्रांसफर में कई बार हम लोग देखते हैं न्यू एनवायरनमेंट 12th से देखते हैं। सो द गेज फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट कस्प, इट इज टू बी जज्ड व्हाट द फर्स्ट कस्प सबलॉर्ड इंडिकेट्स। लेट अस सी बोथ द गुड एंड नेगेटिव इंडिकेशंस वी गेट फ्रॉम फर्स्ट कस्प सबलॉर्ड राहु। द कस्प सबलॉर्ड द कस्प सब कनेक्ट्स टू 6th हाउस एंड 12th हाउस व्हिच इंडिकेट्स इलनेस and may need hospitalization. Whether the illness, hospitalization, if it happens, is going to be serious, will be indicated by the strength of the 6th house, strength of the 6th house and 12th house. The native will fall sick, is sure. The cuspal sublord connects to the 4th, 6th, 7th, 9th, 12th. If these houses are positive, studies, career, settlement abroad could be indicated. The cuspal sublord also connects to the 2nd house, which is an all-important house of wealth, status, male child, etc. All would happen if the 2nd house is strong. As can be seen, Jupiter is the untenanted cuspal sublord of the 2nd house. Cuspal sublord of the 2nd house kaun hai? Jupiter hai. Theek hai? Jupiter is the untenanted cuspal sublord of the 2nd, 10th at the stellar level, significator of house is strong, and the native through its first house connection with the 2nd is promised all positives of the 2nd house, that is wealth, status, male progeny. The overall significations of the ascendant cuspal sublord is quite promising. It is quite promising. Okay. अभी हम आते हैं सेकंड कस्प पे। सेकंड कस्प सर एक डाउट था लेकिन फर्स्ट कस्प के साथ सेकंड कस्प का अगर रिलेशन होगा देन दैट इज अ मारक हाउस भी होता है ना। वो अलग चीज है, वो लॉन्गेविटी आप पहले देखिए। मारक हाउस, मारक एंड बाधक, दे विल कम इनटू प्ले व्हेन यू हैव यू नो डिसाइवर्ड द लॉन्गेविटी पार्ट। वो लॉन्गेविटी, वो हेल्थ के इश्यूज को देखिए, लॉन्गविटी देखिए, पहले जज कर लीजिए लॉन्गविटी, ठीक है। लॉन्गविटी को जज करके निकाल लीजिए, इनकी मिडिल लाइफ है, मिडिल एज है, ठीक है, या इनका जो है बाल अरिष्टा है, या इनकी शॉर्ट लाइफ है। तो फिर अगर शॉर्ट लाइफ निकल रही है, लॉन्गविटी का आपको फॉर्मूला मालूम है, वो करेक्ट कर लीजिए। अगर शॉर्ट लाइफ है तो उसमें अगर मारक बाधक की दशा अंतरदशा एक साथ चलेगी, ठीक है, तो प्रॉब्लम आता है। इट इज नॉट दैट यू नो सेकंड एंड सेवंथ जब भी आएगा तो सेकंड एंड सेवंथ तो शादी भी कराता है ना, तो इट इज नॉट दैट सेकंड एंड सेवंथ आएगा तो आदमी मर जाएगा। इट इज नॉट दैट, यू हैव टू जज द लॉन्गेविटी। व्हाट इज द लॉन्गेविटी प्रॉमिस्ड, इज इट अ लॉन्ग लाइफ, इज इट अ मिडिल यू नो मिडलिंग लाइफ, और इज इट अ शॉर्ट लाइफ, वो जज करना है। देन ओनली मारक एंड बाधक यू नो दे कम इनटू प्ले फॉर द पर्पस ऑफ डेथ, ठीक है। So, second house, more or less discussed above. Jupiter, the cuspal sublord, is strong and promises wealth, status, male progeny, good job, etc. Jupiter is the untenanted cuspal sublord, so very strongly signifies second. At the stellar level, Jupiter signifies 2, 8, 5, and 11. And through its sublord, Saturn, through its sublord Saturn, it signifies 2, 6, 1, 12. So Jupiter is a very strong planet in this horoscope, and it is also the untenanted sublord.
इट इज ऑल्सो द अनटेनेंटेड सबलॉर्ड आई थिंक ऑफ सम अदर हाउसेज ऑल्सो अभी आएगा ठीक है स्पेशली फॉर मनी सर इट इज गुड जो आर स्पेशली फॉर मनी फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे वेल्थ स्टेटस एवरीथिंग ठीक है द कस्पल सब लॉर्ड इज ऑल्सो अनटेनेंटेड कस्पल सब लॉर्ड ऑफ 5-10 बोथ पॉजिटिव सो सेकेंड हाउस इज वेरी पॉजिटिव सेकेंड हाउस ये प्रोमिस जो है काफी पॉजिटिव है थर्ड कस्प कनेक्ट थर्ड कस्प Connect the significations of Rahu with representations of the third house. Rahu, देखिए third house जो है ना अकेले कोई role नहीं play करता है. अकेले जो है third house छोटा-छोटा ये जैसे कोई मतलब आपका third house is a more or less a supporting house except short journeys जब होती हैं. Short journey मतलब 3-4 घंटे के लिए एक दिन के लिए कहीं short journey में चले गए. उस तरह का तो third house का अपना कोई अलग से It will not, you know, it will not lead to an event happening, alag se. So connect the significations of Rahu with representations of the third house. Fourth cusp is an important cusp, kyunki ye ek to domestic piece hai, phir assets hain, well, assets hain, makan hai, gaadi hai, etc., whatever assets, luxury items hain. Then it is the cusp of your mother also. So fourth cusp. Saturn is the cuspal sublord. Stellar level significations are 2, 6, 1 and 12. And through its sublord Venus. Yes, Saturn is the first cuspal sublord. And through its sublord Venus, it signifies 2, 7, 4, 9. Saturn is also the untenanted cuspal sublord of 4, 8 and 11. The only negative signification of Saturn is of the 8th house. Now it is evident that 4th house significations like education, assets, domestic peace, etc. are mostly on the positive side except the 8th house significations which may result in some obstructions from time to time. Adchane aayengi from time to time. लेकिन अगर ये पॉजिटिव होगा तो फिर इनके अच्छा आसान सा पैसा भी आता है इनहेरिटेंस भी आता है हाउ सिवियर दीज ऑब्स्ट्रक्शंस आर गोइंग टू बी विल बी डिसाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द 8th हाउस हमने बताया था ना कि 8th हाउस तो ऑब्स्ट्रक्शंस दिखाता है लेकिन 8th हाउस का अगर कस्पल सब लॉर्ड मान लीजिए 11th हाउस से और 2nd हाउस से स्ट्रांगली कनेक्टेड है तो ऑब्स्ट्रक्शंस इट इज नॉट दैट यू नो कुछ हल्का कुछ को ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे लेकिन ऑब्स्ट्रक्शंस आने के बाद फायदा होगा सेकंड हाउस फायदा दिखाता है 11th हाउस फायदा दिखाता है गेन्स इनकम एंड ऑल टाइप्स ऑफ गेन्स इज शोन बाय द 11th फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स फुलफिलमेंट ऑफ विशेस तो 8th हाउस जो आ रहा है सैटर्न के सब लॉर्डशिप में वो 8th हाउस जो है मे रिजल्ट इन सम ऑब्स्ट्रक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम Okay, 8th house cuspal sublord bhi abhi yahan discuss kar rahe hain. 8th house cuspal sublord kaun hai? It is Saturn only, which signifies 1 to 12 at the stellar level and through its sublord Venus, it signifies 2, 7, 9, 4. So 8th house is mildly bad, kyunki achhe supporting houses hai, 2, 7, 9, 4. Isme se koi bhi malefic house nahi hai. ठीक है 7-9 दे आर सॉर्ट ऑफ 4 दे आर सॉर्ट ऑफ ट्रीटेड ऑन द बेटर साइड नॉट मैलिफिक साइड न्यूट्रल ट्रीट करते हैं बट फॉर स्पेसिफिक पर्पस उनकी जरूरत तो है ना फोर्थ हाउस की जरूरत है हमें प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो 8th कस्पल सबलॉर्ड जो है वो सैटर्न है तो बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस लाइफ में नहीं आएंगी फोर्थ हाउस दस कनेक्ट्स 2, 6, 1, 4, 11 Fourth house thus connects 2, 6, 1, 4, 11. Promises good education, good income through profession. ठीक है? Indicates assets through profession and overall gains and fulfillment of wishes. 12th is also required if you wish to buy a house. Remember, 12th की भी आवश्यकता है मकान खरीदने के लिए क्योंकि पैसा खर्चा करेंगे तभी मकान खरीदाएगा. For a proper understanding. Let us look at it this way. For proper understanding, let us look at it this way.
इसको ठीक से समझने के लिए हम इस एक दूसरे एंगल से देखते हैं. फॉर वन टू बाय अ हाउस जो अभी मैं बोल रहा था ना, फोर्थ को केपी में ना बुरा माना जाता है ना अच्छा माना जाता है, बट स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए तो फोर्थ के बिना तो आपका ना एडुकेशन होगा ना आप घर घर बार खरीद पाएंगे. टू बाय अ हाउस द फोर्थ कस्टमर सब लॉर्ड शुड बी कनेक्टेड विथ 4 or 11 or 12. तभी वाई 4 हाउस है, वाई 11 आपके विशेष हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स एंड विशेष है, एंड वाई 12, वाई 12 बताइए एक्सपेंडिचर के तो कोई एसेट नहीं बन सकता है ना. इफ फोर्थ डज नॉट कनेक्ट विद एनी ऑफ दीज थ्री हाउसेस, अ हाउस इज नॉट प्रॉमिस्ड इन द लाइफ ऑफ द नेटिव. वी कैन सी इन दिस केस द प्रॉमिस ऑफ अ हाउस और मे बी हाउसेस और अदर एसेट्स ऑल्सो इज प्रॉमिस्ड. सैटर्न प्रॉमिसेस लैंडेड प्रॉपर्टी, सैटर्न का कारकत्व है ठीक है, लैंडेड प्रॉपर्टी लैंड. मार्स को हम बोलते हैं हाउस, रेडीमेड हाउस. सैटर्न प्रॉमिसेस लैंडेड प्रॉपर्टी एंड वीनस प्रॉमिसेस अदर एसेट्स लाइक व्हीकल्स, ज्वेलरी, अदर लग्जरी आइटम्स एटसेट्रा. अदर प्रॉमिसेस ऑफ फोर्थ हाउस लाइक एडुकेशन और इवन एडुकेशन अब्रॉड, इवन एडुकेशन अब्रॉड, रेजिडेंस अब्रॉड इज इंडिकेटेड बाय द फोर्थ हाउस. अगर आपका बाहर जाने का प्रॉमिस है, उसमें और भी कॉम्बिनेशन है उसको हम देखेंगे ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन है उसको हम देखेंगे. अब आते हैं हम फिफ्थ कस्प पे. देखिए फिफ्थ कस्प अनटेनेंटेड कस्प सबलॉर्ड इज जुपिटर. इट स्टैंड्स डिस्कस्ड promises delivering the fifth house significations because Jupiter has strong connections with the improving houses. So fifth cusp ke achhe results ko wo promise karta hai. It directly signifies the fifth itself also. Aap log isko follow karte jayega jab main bolta hu. Ye directly signifies matlab ye stellar level pe signify kar raha hai fifth. Theek hai? Kahan chala gaya? This could be indicative of second and after. ठीक है, promises delivering fifth house. It directly signifies fifth house itself, along with second and 11th signification. Affairs of the heart, a love marriage could be indicated. ठीक है, love marriage could be indicated. This could be indicative of changes in job during one's lifetime, as 2 and 5 connect. There could be emotional upheavals. As the cusper sublord Jupiter signifies 2, 5, 8, 11. आपको याद होगा 5, 8, 11 का हमने 2, 5, 8, 11 के हमने आपको combinations बताए थे. 5, 8 और 11 का combinations जब आते हैं तो फिर वो love affair, scandalous love affair, you know, secretive love affair हो सकता है. 12 आता है तो ज्यादा scandalous हो जाता है. Jupiter signifies 2, 5, 8 and 11 and also connected. to 12 through its sublord Saturn. The same combination could also give a profession connected with the aesthetic side. Promises success in speculation. Agar fifth house strong hai aapka, to speculation matlab sattebaji, share market वगैरह में आप पैसा लगाएंगे तो आपको फायदा हो सकता है. Please note Jupiter is untenanted cusp sublord of the cusp along with cusp 2nd and 10th. सेकेंड एंड टेंथ अलॉन्ग विथ सेकेंड एंड टेंथ से क्या मतलब है. सेकेंड का देखिए यहाँ पर ये जुपिटर का देखिए सिग्निफिकेशन और देख लेते हैं एक मिनट ऊपर करके इसको देख लेते हैं. जुपिटर कहाँ कहाँ का कस्प सबलॉर्ड है, लेट अस सी जी, लेट अस सी. देखिए जुपिटर कहाँ कहाँ का अनटेनेंटेड कस्प सबलॉर्ड है. सेकेंड का है, फिफ्थ का है और टेंथ का है ठीक है. ये तो सेकेंड फिफ्थ एंड टेंथ तो वो देगा ही देगा स्ट्रॉन्गली ठीक है. और यहाँ पे सिग्निफिकेटर लेवल पे जुपिटर क्या दे रहा है, देखिए सेकेंड जो है बहुत स्ट्रॉन्गली दे रहा है, एर्थ दे रहा है, एर्थ दे रहा है, फिफ्थ दे रहा है, फिफ्थ दे रहा है और इलेवेंथ का ओनली सिग्निफिकेटर है.
11th का only significator है. So Jupiter is a very strong balance. If you put it on the, you know, on a scale, weighing machine में, pros and cons में अगर आप देखेंगे, तो pros ज्यादा है, ठीक है, cons कम है. अच्छा कहाँ? Please note Jupiter is also is untenanted cuspal sublord of the cusp, along with cusp second and tenth. तो second, fifth, tenth का Jupiter जो है, वो कस्पल सबलॉर्ड है. 210 का कस्पल सबलॉर्ड है और 11th हाउस का ओनली सिग्निफिकेटर है अनटेनेंटेड. तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट फॉर दिस नेटिव. ओके, कस्प अलोंग विद सेकंड एंड टेंथ विच इज अ पावरफुल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस. ऑल्सो नोट द स्टेलर सिग्निफिकेशंस ऑफ जुपिटर इज ऑल्सो 2, 5 and 11. 2, 5, 10, 11 के जुपिटर के बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशंस हो जाते हैं. चलिए अब आते हैं सिक्स कस्प में. मर्करी इज द अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड एंड इज ऑल्सो द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द 12th कस्प. व्हाइल मर्करी एट द स्टेलर लेवल सिग्निफाइज 4, 5, 7, 9 एंड थ्रू इट सबलॉर्ड राहु हैज ओके सिग्निफिकेशंस, इट्स बीइंग द अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 6th एंड 12th मे हैव adverse impact on the health of the native, which she is all, मतलब बीच-बीच में, she has some serious health issues, dating during its dasa. However, sixth besides giving ill health, can also give good financial position. But since the cuspal sublord is Mercury, the dual planet, it may pose some problems. Nature of planets का हमेशा ध्यान रखिएगा. It may pose some problems during its dasas, which is the natural propensity of Mercury. देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. Mercury की जब अंतरदशा और महादशा चलेगी ना, तो Mercury एक तो dual planet है, बड़ा volatile planet है. तो ऐसा नहीं है कि Mercury अगर बड़ा strong significations उसके 2, 6, 10, 11 के हैं तो हमेशा अच्छा ही result देगा. नहीं, वो मर्करी की खासियत है, वो अगर ट्रांजिट में किसी से मैलिफिक के साथ आ गया, कंजंक्शन में आ गया, तो बड़ा अप्स एंड डाउन्स देता है. मर्करी की ये प्रोपेंसिटी है, ये उसका नेचर है. मर्करी आपको कभी भी स्टेबल नहीं रहने देगा, वो आपको हमेशा उथल पुथल में डाल के रखेगा. हाउएवर इन व्यू ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द हॉरोस्कोप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. हाउएवर इन व्यू ऑफ द ओवरऑल, कभी भी कोई किसी भी हॉरोस्कोप को आइसोलेशन में मत देखिए. अगर कहीं किसी दशा अंतर दशा में कुछ दुख लिखा हुआ है, कोई इवेंट लिखा है, तो आप ओवरऑल हॉरोस्कोप के स्ट्रेंथ को जज कीजिए, तो उसकी सिवियरिटी कम होगी. बिकॉज हर एक प्लैनेट एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है. सी एवरी प्लैनेट हैज अ बेयरिंग ऑन सम अदर प्लैनेट. यू नो, इट कुड बी थ्रू एस्पेक्ट, इट गुड बी थ्रू कंजंक्शन. एस्पेक्ट्स में बहुत ज्यादा मैं वो नहीं करता हूँ, हाँ ट्रांजिट में मैं करता हूँ. एंड मैं स्ट्रिक्टली जो है इंडियन एस्पेक्ट्स में बिलीव करता हूँ, और डिग्री टू डिग्री जो है ना एस्पेक्ट में बिलीव करता हूँ. ऑब जो है, ऑब मतलब ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जैसे प्लैनेट ए अगर किसी भी हाउस में अगर प्लैनेट ए 5 डिग्री पर है, तो अपने इर्द गिर्द 10 डिग्री तक के और इधर जो है 0 डिग्री तक में अगर कोई प्लैनेट है, तो उस पर अपना असर देगा और वो प्लैनेट उस प्लैनेट ए पर अपना असर देगा. ये कंजंक्शन होता है. और फिर होता है एस्पेक्ट, और एस्पेक्ट ओनली इंडियन एस्पेक्ट्स जो है 7th, जो आप लोगों को मालूम है 7th एस्पेक्ट, 4th जो स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं. 7th तो सभी का होता है, स्पेशल जो है आपके सैटर्न के, जुपिटर के, मार्स के होते हैं एस्पेक्ट्स. ठीक है, क्योंकि देखिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ एक बात, अगर आप कृष्णमूर्ति पद्धति में देखिए, कृष्णमूर्ति जी ने शुरू शुरू में वेस्टर्न एस्पेक्ट्स को टेकअप किया, और वेस्टर्न एस्पेक्ट्स में इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो सेक्सटाइल है, सेमी सेक्सटाइल है, स्क्वेयर है, हर एक 30 डिग्री पे एक एस्पेक्ट है. 30 डिग्री का अलग है, 60 डिग्रीज का अलग है, ठीक है, 120 डिग्रीज का अलग है, 180 डिग्रीज का वो बोलते हैं कि वो खराब मैलिफिक एस्पेक्ट होता है. इट इज नॉट ट्रू. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप देखिएगा 180 डिग्रीज का अगर कोई अच्छा ग्रह जो है
बेनिफिक ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है तो जिस हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है या जिस प्लैनेट को एस्पेक्ट कर रहा है उसको वो फायदा पहुंचाता है. एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ब्लाइंडली सेज कि 180 डिग्रीज एस्पेक्ट इज बैड, विच इज नॉट ट्रू. और अगर आप वेस्टर्न एस्पेक्ट में जाएंगे तो यू विल गेट सो कंफ्यूज्ड. 30 डिग्री का भी एस्पेक्ट आपको देखना है, 60 का भी देखना है, 120 का भी देखना है, 45 का भी देखना है, 180 का भी देखना है, 90 का भी देखना है. वेस्टर्न एस्पेक्ट में शायद 8 या 9, मुझे ठीक से याद नहीं है इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा उसको पढ़ाता नहीं हूँ और मैं विश्वास भी नहीं करता हूँ, वो काम भी नहीं करता है. आप एस्पेक्ट देखते रह जाएंगे, आपका सारे प्रेडिक्शन धरे रह जाएंगे. एंड विदाउट एस्पेक्ट ऑल्सो आपके प्रेडिक्शंस कृष्णमूर्ति पद्धति में जो ट्रांजिट और दशा अंतर दशा और सब लॉर्ड और रूलिंग प्लैनेट्स को लेके हम प्रेडिक्शंस करते हैं तो विदाउट एस्पेक्ट्स आप कर. हाँ, कंजंक्शन का फर्क तो जरूर पड़ता है, कंजंक्शन का फर्क जरूर पड़ता है, स्पेशली अगर क्लोज कंजंक्शन है 1-2 डिग्री का, अप टू 5 डिग्रीज थोड़ा सा पड़ेगा, बट अगर 2-3 डिग्री तक है, सम एस्ट्रोलॉजिस्ट से 3 डिग्री 20 मिनट, जो कि एक जो है पद, ठीक है ना, तो एक नक्षत्र को उन लोगों ने 4 पदों में डिवाइड कर रखा है, 3 डिग्री 20 मिनट तक बोलते हैं, विच इज रीजनेबल, इट इज रीजनेबल टू बिलीव 3 डिग्री 20 मिनट, तो डेफिनेटली जो है कंजंक्शन अच्छा खासा जो है एक दूसरे पर असर करेगा और एस्पेक्ट भी असर करेगा. लेकिन कौन सा एस्पेक्ट असर करेगा? इंडियन एस्पेक्ट, डिग्री टू डिग्री ओनली, डिग्री, ठीक है. और देखिए प्लेसिडियस सिस्टम में आपको एस्पेक्ट प्लेसिडियस के हिसाब से नहीं देखना है, राशि चार्ट के हिसाब से देखना है. नेटल हॉरोस्कोप का जो जो स्टैटिक एस्पेक्ट्स होते हैं वो नेटल चार्ट में देखना है आपको, और जो डायनामिक एस्पेक्ट्स होते हैं वो आपको ट्रांजिट में देखना है. जी पूछिए. ये सर, ये केपी में भी सर ये कंजंक्शन और दृष्टि से भी वीक सिग्निफिकेटर बनते हैं सर. हाँ ना, असर होता है. वीक सिग्निफिकेटर मतलब कोई स्ट्रांग है, अगर उसके ऊपर किसी मैलिफिक की असर है तो कुछ देर के लिए वो वीक हो जाएगा, कुछ देर के लिए वो वीक हो सकता है, ठीक है. बट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैंने कहीं कहीं एस्पेक्ट से किया है और कंजंक्शन से भी आपको एक दो जो है देखिएगा, आपको किसी चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि सन और मरकरी जो है रैप्ड कंजंक्शन में है तो एक दूसरे का जो है वो देंगे. आप यू लिसन टू माय वीडियोस. एंड देखिए वेस्टर्न एस्पेक्ट से आई डोंट नो, मुझे तो सक्सेस नहीं मिला है और कोई फायदा नहीं मिला है. सक्सेस की तो आप बात छोड़ दीजिए, नॉट दैट यू नो एनी प्रेडिक्शन कोई मेरा वो ट्रांसफॉर्म हो गया ये या गलत हो गया या उसके चलते सही हो गया, ऐसा नहीं है. हमें इंडियन एस्पेक्ट से बहुत अच्छे वो रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत ज्यादा तवज्जो एस्पेक्ट्स में मैं नहीं देता हूँ. मैं सीधा सीधा जो मेरा बताया रूलिंग प्लैनेट्स, दशा अंतर दशा, ठीक है, दशा अंतर दशा, और उसे कर करके सूक्ष्म तक ले जाइए, आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट परफेक्ट निकलेगा जैसे हमने बताया हुआ है. जहां रूलिंग प्लैनेट की आवश्यकता है वहां रूलिंग प्लैनेट को यूज कर लीजिए. जब आपको कंफ्यूजन है, यू हैव टू पिक बिटवीन 2-3 प्लैनेट्स और 2 प्लैनेट्स, इसको लेना है कि नहीं लेना है, देख लीजिए सिग्निफिकेटर है लेकिन रूलिंग प्लैनेट है कि नहीं है, तो हम इसको लेंगे कि नहीं लेंगे. एनीवे, सो हाउएवर इन व्यू ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द हॉरोस्कोप वी कैन अज्यूम दैट मेजर सेटबैक्स मे नॉट बी देयर व्हेन मर्करी इज इन टैंडम विद अदर दशा लॉर्ड्स. यस, फॉर मर्करी The native has to be cautioned. क्योंकि मर्करी का कनेक्शन जो है 6th और 12th से, 6th और 12th बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं माना जाता है हेल्थ के एंगल से. 7th कस्प, कस्पल सब लॉर्ड इज राहु, राहु थ्रू मर्करी राहु थ्रू मर्करी कनेक्ट्स विद 5th and 7th, इंडिकेटिंग अ लव मैरिज. राहु एज द 7th कस्पल सब लॉर्ड सिग्निफाइंग 4th, 7th, 9th, 12th, 2nd पॉइंट्स टुवर्ड्स एडुकेशन and settlement abroad very strongly. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. However,
राहु एज द कस्पल सबलॉर्ड सिटिंग इन अ ड्यूअल हाउस वर्गो मे हैव सम नेगेटिव connotations indicating multiple marriages, especially as the native has a strong connection amongst 2, 5, 8, 11, 12. हमने आपको जो ऊपर डिस्कस किया और उसके साथ साथ जिसको हिंदी में हम कहते हैं सोने में सुहागा, तो सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड जो है का कनेक्शन ड्यूअल हाउस से है, तो ये इसमें मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है और चांसेस ऑफ यू नो मोर देन वन मैरिज आर ऑलवेज देयर. ठीक है, एट्थ हाउस. Eighth house cusped sublord Saturn signifying 1, 2, 7, 12 at the stellar level, which is a mixed signification. Through sublord Venus, Saturn signifies 2, 7, 4, 9, which is good and negates the negative significations of the 12th signification to some extent. Saturn is, however, untenanted and would thus manifest strongly the manifestations of the 8th, which are generally considered as negative. It is, however, also the cuspal sublord of the 4th and the all-important 11th. Hence, would to a great extent mitigate any negative manifestations of the 8th, and could in fact manifest all the positives of the 8th, like easy money, unexpected money, inheritance, speculative gains, especially as the 5th cusp is also strong. फिफ्थ कस्प हमने देख लिया है, एट्थ कस्प भी मिक्स्ड है, स्ट्रॉन्ग ही है, वीक नहीं है. एसेट क्रिएशंस ऑलरेडी सीन, फोर्थ हमने देख लिया एसेट क्रिएशंस. तो नाइन्थ कस्प सबलॉर्ड इज मून सिग्निफाइंग 12, 6 एट द स्टेलर लेवल एंड थ्रू सबलॉर्ड मर्करी 7, 4, 9, 8. कनेक्शन बिटवीन 9th, 12th, 4th indicates foreign settlement. देखिए आप लोग कोई पूछ रहे थे, ठीक है? Yes sir. Ninth cusp is long journey, ठीक है? Fourth is residence, 12th is going abroad. Ninth, 12th, 4th अगर connected होते हैं, other connections also required, ठीक है? Seventh भी चाहिए because आप बिल्कुल जा रहे हैं नई जगह में and you will be dealing with you know people, तो seventh represents that connection. Or एक चीज याद रखिएगा, राहु का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अब्रॉड ले जाने में और सेटलमेंट में. दिस इज एक जनरल सूत्र है. कनेक्शन बिटवीन 9th, 12th, 4th इंडिकेट्स फॉरेन सेटलमेंट. 10th कस्प सबलॉर्ड अनटेनेंटेड जुपिटर विच इज ऑल्सो द कस्प सबलॉर्ड ऑफ 2, 5. जुपिटर इज डिस्कस इन लेंथ अबव, 11th को भी सिग्निफाई करता है. 10th इज द ऑल इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ प्रोफेशन and through its cuspal sublord connecting to 8, 5, 2, 11 and signifying 10 as the untenanted cuspal sublord. Thus, excellent career prospects are indicated with job changes also indicated. The sublord of Jupiter is Saturn. Sublord of Jupiter is Saturn signifying 1, 2, 6, 12 and 11 as it is the untenanted cuspal sublord of 11th. Jupiter also is connected with the 7th through its star lord Rahu. अब हम वो आ जाते हैं वापस जो हमने कहा था, planets in the star and sub of Rahu and Ketu. देखिए sub वाला तो काम करेगा ही, but even in the if they are in the star lord of Rahu or Ketu, then they will give all that Rahu and Ketu promise. So ये क्या हम बोल रहे हैं, Jupiter also is connected with the 7th through its star lord Rahu, which signifies 7th through Venus. Connections of 10th cuspal sublord with both 6th and 7th indicates job and business simultaneously ho sakta hai. Ya to phir dasha antar dasha ke job ke hisab se kabhi business hoga kabhi job hoga ya dono bhi ek sath chal sakta hai. 11th cusp untenanted cuspal sublord is Saturn, signifies 4, 8, 11 strongly at the stellar level, signifies 1, 2, 6, 12 and through it sublord Venus signifies 2, 7, 4, 9. Very promising 11th cusp. We have already seen the other planets signifying 11th. No fulfillment of desires promised. 12th cusp, untenanted cusp sublord Mercury also signifies 12th. Caution indicated kar diye hain. Mercury signifies 7, 4, 9, 5, 8. At the stellar level and through
and through sub has some significations, some mixed significant connections with overseas indicated, but caution on the health front is a red flag. अब हम आते हैं इनके, ये तो हम समझ लिए. पहले हमको हर एक कस्प का जो है सब लॉर्ड से समझना है कि इनके जिंदगी में कैसा रहेगा. इफ यू यू नो इफ यू स्टडी ईच द कस्प सब लॉर्ड सबका आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ दिस हाउ द ओवरऑल लाइफ ऑफ दिस नेटिव इज गोइंग टू बी. तो इसीलिए एक हमें निगाह नहीं, हमें डिटेल में जो है ना हर एक कस्पल सब लॉट देखिए. अगेन रिपीटिंग कैवियट जिसको बोलते हैं, कैवियट इज दैट टाइम ऑफ बर्थ हैज टू बी करेक्ट, अदरवाइज ये जितना सारा हमने ऊपर डिस्कशन किया ये सब बेकार है. अगर टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो ये सारा बेकार है. ठीक है, वो मैं क्वेश्चन हमेशा करता है, वो अगेन क्वेश्चन करना नहीं है. अगर टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है तो आप प्लैनेट सिग्निफिकेटर से और प्लैनेटरी सबलॉट से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि देने वाले तो यही है ना, अपने दशा अंतर दशा में देंगे. अब कैसा एग्जैक्टली देंगे, कौन सा कस्प देगा, उसमें थोड़ा सा वो रहेगा, बट स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स मान लीजिए 4-5 प्लैनेट आप देख रहे हैं 2, 6, 10, 11 के सिग्निफिकेटर्स हैं, तो देन यू देन नेटिव विल हैव अ गुड लाइफ, मोर मोस्टली अ गुड लाइफ. इट इज नॉट दैट कि अगर एक टैलेंट स्टेलर लेवल पे 2, 6, 10, 11 को सिग्निफाई कर रहा है और उसका अगर कोई उसका सबलॉर्ड अगर खराब है 8, 12 वो कर रहा है, तो इट इज नॉट दैट यू नो कि हर समय खराब होगा. 2, 6, 10, 11 का रिजल्ट मिलेगा, मीडियोकर रिजल्ट्स मिलेंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे लेकिन रिजल्ट्स मिलेंगे. अब आप हम इनके आते हैं, अब हम इनके हम आते हैं इवेंट्स पर. इसमें कोई सवाल है तो पूछिएगा, क्योंकि ये देखने के बाद फिर हम इवेंट्स पर आते हैं. सर वो फॉरेन के लिए 9th, 12th और 3rd होता है, आ रहे हैं इसी में है ठीक है, इसी में है, आ रहे हैं उस पर है. देखिए इवेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज दिया हुआ है, आ रहे हैं उस पर. ठीक है, सेटल्ड अब्रॉड आल्सो. एक्चुअली सर ऊपर आपने 9th सब के केस में लिखा हुआ था ना. हाँ, 9th के कनेक्शन तो होना ही चाहिए. 9th, 12th आ रहे हैं, देखिए रुक जाइए एक मिनट. मैरिज, चलिए 13-12-2000 राहु वीनस मार सैटर्न केतु. ठीक है, राहु 7 है ना, मरकरी सब लॉर्ड होगा शायद. हाँ मरकरी होगा सब लॉर्ड, या देखना राहु वही आप लोग देख लीजिए. राहु 7, वीनस 2, मार्स 5 लव मैरिज, सैटर्न 11 अनटेनेंटेड कस्पल सब लॉर्ड ऑफ 11, केतु 7. Marriage is promised as Rahu 7th, Kaspar sublord signifies 7th through Mercury. Birth of first son, 13-2-2003, Rahu sun, Mars, Jupiter, Rahu 2 through sublord Venus, sun 7, sublord Mercury. Sublord Mercury, Mars 5, Jupiter 5-11. Childbirth is promised as the 5th Kaspar sublord, Jupiter is untenanted. पहले तो हम देखते हैं ना childbirth. जस्ट इन केस आप सोच रहे हैं कि सेकेंड चाइल्ड के लिए सेवेंथ भी चाहिए, हमने आपको बताया था कि मैं फिफ्थ को कंसिडर करता हूँ, सेवेंथ भी आ सकता है उसमें सेकेंड सन में, कोई जरूरी नहीं है. लेकिन अब देखिए वेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज. ओके, वेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज ड्यूरिंग राहु वीनस एंड मार्स. देखिए फॉर गोइंग अब्रॉड द 12th सबलॉर्ड मस्ट हैव कनेक्शन विद 9th एंड 12th कस्प्स. इट मस्ट हैव कनेक्शंस. 9th इज फॉर लॉन्ग जर्नीज, 12th इज फॉर फॉरेन जर्नीज. 9th इज फॉर लॉन्ग जर्नीज, वो देश के अंदर भी हो सकती है. 12th इज 12th represents abroad. Mercury is 12th sublord and signifies 9th. Mercury is 12th sublord and signifies 9th and significations of Rahu, which signifies 12th. As Mercury is in the sub of Rahu, इस sentence को समझिएगा ध्यान से. Mercury is the 12th sublord and signifies 9th.
ठीक है, देखिए मरकरी का ये नाइन्थ सिग्निफिकेशन देखिए यहाँ पर, नाइन्थ, ट्वेल्थ का सब लॉर्ड है, नाइन्थ को सिग्निफाई कर रहा है, एंड सिग्निफिकेशन ऑफ राहु विच सिग्निफाइज ट्वेल्थ एज मरकरी इज इन द सब ऑफ राहु, तो मरकरी राहु का सारा काम करेगा और राहु ट्वेल्थ को सिग्निफाई करता है, ठीक है, ये छुप गया है ऊपर वाले में होगा ट्वेल्थ का, मरकरी राहु, ओके, राहु एज द महादशा लॉर्ड, राहु एज द महादशा लॉर्ड, यहाँ देखिए महादशा दी हुई है, कब अब्रॉड में, ये राहु एज द महादशा लॉर्ड टुक हर अब्रॉड, एंड वीनस द अंतरदशा लॉर्ड ऑल्सो इज इन द सब ऑफ राहु, सो विल गिव राहु प्रॉमिस, मार्स द प्रत्यंतरदशा लॉर्ड सिग्निफाइज थर्ड विच रिप्रेजेंट्स लीविंग योर रेसिडेंस, थर्ड के शॉर्ट जर्नीज के अलावा लीविंग योर रेसिडेंस है, आप अपने घर से अलग हो रहे हैं, तो थर्ड विल कम इन टू प्ले, ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद दैट ट्रांसफर थिंग जो हमने बताया था, वो अलग चीज है, अगर आप अपने घर को छोड़ करके जा रहे हैं तो थर्ड आएगा, ठीक है, सो थर्ड इज ऑल्सो देयर, फॉर गेटिंग अ जॉब द दशाज ऑफ 2, 6, 10 सिग्निफिकेटर्स have to play in tandem. She had gone for her studies. Dekhiye, she had gone for her studies, which is justified by the 12th Lord Mercury's signification of 4th. 12th sublord, sub 12th sublords, 12th Lord likha hai, humne dekhna hoga hame. Mercury's signification of 4th is for education. And she got a job during Rahu, Venus, Mars, Saturn. राहु है 6, 2, वीनस है 2, सैटर्न है 6, मार्स है 10, गेव हर द जॉब, वन ऑफ द कंडीशंस फॉर गेटिंग अ जॉब इन केपी दैट योर 10th सब लॉर्ड कस्पर सब लॉर्ड शुड हैव सम कनेक्शन विद 6th व्हिच इज इन दिस केस जुपिटर एज 10th कस्पर सब लॉर्ड कनेक्ट्स विद 6th थ्रू इट्स सब लॉर्ड सैटर्न, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे और स्पेशली आप राहु और केतु वाला अगर जरा सा भी अगर आप उसमें अगर आपके नॉलेज बेस अगर रिस्ट्रिक्टेड है, आपको पूरा क्लैरिटी नहीं है, तो प्रेडिक्शंस करने में दिक्कत होता है, तो राहु केतु का पूरा फुल क्लैरिटी होना चाहिए, तब को आपको जाकर के ऑल योर इवेंट्स विल फॉल इनटू प्लेस। सर जो ये अब्रॉड जाने के लिए सर 11th हाउस कोई रोल प्ले नहीं करेगा सर? 11th हाउस करेगा, 11th हाउस तो देखिए जुपिटर ही जुपिटर, उसका 11th सारा कुछ 11th हाउस करेगा, आपका विश है 11th हाउस करेगा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करेगा जुपिटर, क्योंकि लाइक 11th कैन बी द नेगेशन हाउस ऑफ 12th, तो नहीं 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 11th इज नॉट, नहीं नहीं कॉन्टेक्स्ट में देखना है, 11th इज नेवर अ नेगेशन, 11th इज नेगेशन फॉर द मैलिफिक significations of the 12th, ठीक है, because it is fulfillment of your wishes, ठीक है, negative malefic क्या होता है 12th का, loss expenditure, loss expenditure, वो बंद कर लीजिए, mute कीजिएगा, loss expenditure, ठीक है, imprisonment, तो उसको negate कौन करेगा, आपका fulfillment of wishes और gains और income उसको negate करेगा ना, तो इसीलिए 11th जो है उस तरीके से negate करता है, 12th का जो पॉजिटिव सिग्निफिकेशन है गोइंग अब्रॉड उसको 11th नेगेट नहीं करता है, वो आपको कॉन्टेक्स्ट में बताना है, इट इज नॉट दैट यू नो कि तो फिर तो 10th तो नौकरी का घर है तो इट इज नेगेटिंग 11th, नहीं, देयर आर एक्सेप्शंस आल्सो, देयर आर एक्सेप्शंस, उसको आपको उसमें 12th का नेगेशन 4 है सर, है 12th का नेगेशन 4 को लिए ले, नहीं आवाज वो पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा, नहीं सुनाई पड़ रहा मुझे, 12th का नेगेशन 4th हाउस, 12th का नेगेशन 4th हाउस कैसे, मतलब घर हो गया, बर्थ प्लेस हो गया, देखिए वो आवाज जरा बंद कीजिएगा, ट्वेल्थ का नेगेशन 4th हाउस, 12th हाउस का नेगेशन 4th हाउस, फोर्थ कैसे हो सकता है, नहीं नहीं क्या इसका क्या मतलब है, थर्ड निगेट करता है फोर्थ को, निगेट मतलब आपको उससे वो हटाता है, फोर्थ को आप उसको अपने घर से निकाल रहा है, आपको वो बाहर आपको ले जा रहा है,
फोर्थ मतलब आपको बाहर ले जाएगा, फोर्थ अपने घर में अपने एनवायरनमेंट आप अपन हाँ तो वहां जाके सेटल कीजिएगा, फिर वहां फिर फोर्थ प्ले में आएगा, आप पढ़िएगा फिर फोर्थ आएगा तब आप वहां सेटल कीजिएगा, सेवेंथ आएगा तब वो ठीक तरीके से सेटल कीजिएगा। पूरा कॉम्बिनेशन फॉर सेटलमेंट अब्रॉड इज ट्वेल्थ इम्पोर्टेंट, नाइन्थ इम्पोर्टेंट, नाइन्थ इज फॉर लॉन्ग जर्नीज, इम्पोर्टेंट नाइन्थ इम्पोर्टेंट, ठीक है, सेवेंथ इज इम्पोर्टेंट स्पेशली इफ यू आर गोइंग यू नो विद योर स्पाउस नंबर वन, एंड सेटलमेंट वहां इसलिए बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद पीपल देयर, इसीलिए नंबर सेवन। नंबर फोर अगर आप वहां पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है। नंबर थ्री अगर आप अपना देश छोड़ करके वहां जा रहे हैं सेटल करने के लिए, तो फिर पढ़ाई करने जा रहे हैं तो फोर्थ भी आ जाएगा, थर्ड भी आएगा, और वहां सेटल जब होइएगा तो फिर फोर्थ आएगा ठीक तरीके से। दिस इज हाउ यू हैव टू सी, बट ट्वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्वेल्थ एंड नाइन्थ, नाइन्थ इज ओनली द जर्नी पार्ट। टेंथ देखिए, अब वेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज, फिर से पढ़ा दे रहा हूं मैं, फॉर गोइंग फॉर फॉरेन जर्नीज मर्करी Mercury is the 12th sublord and signifies 9th significations of Rahu, which signifies 12th, as Mercury is in sub of Rahu. Rahu is the Mahadasha lord, ye Mahadasha yahan, took her abroad, and Venus, the Antardasha lord, also is in the sub of Rahu, so will give Rahu promise. Mars, the Pratyantardasha lord, signifies 3rd. Jab ye gayi thi, to 3rd ki inka dasha, 3rd significator ki Pratyantardasha chal rahi thi. Third, which represents leaving your residence. For getting a job, the dasas of do chhe das, ye to simple hai. She had gone for a study, which is justified by 12th Lord Mercury's signification of 4th, and she got a job during Rahu, Venus, Mars, Saturn. Rahu is 6, 2, Venus 2, Saturn 6, Mars 10. Gave her a job. One of the conditions for getting a job in KP is that your 10th sublord should have some connection with 6th, which in this case, Jupiter as the 10th sublord connects with 6th through its sublord Saturn. ठीक है, अभी देखिए, ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर पढ़ा दे रहा हूँ, ये इन्हीं का है। एक मिनट सर, मेरा एक और था कि सर, what place do we consider as our native place, sir? मतलब our birthplace or no, where you are living. जहां आप रह रहे हैं सर, सपोज सर हमें जो ये फॉरेन चले गए सर, 9-12-3 ऑपरेट हो गया वहां पे जाके, तो फिर वो आपका 4 हो जाएगा नेटिव, वो 4 जहां आप रह रहे हैं वो दैट विल प्लेस ऑफ रेजिडेंस बोलते हैं उसको। अच्छा, नॉट नेटिव, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। प्लेस ऑफ रेजिडेंस मतलब कॉमन सेंस आपको लगाना है ना, कि हम किसी घर में 10 साल अगर रह रहे हैं तो मेरा 10 साल वो नंबर 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हम हो सकता है चेंज हो जाए, चेंज जब होगा तो कुछ देर के लिए 3rd आएगा, फिर 4th आ जाएगा, ठीक है, फिर 4th नहीं आएगा तो फिर तो आपको नया जगह मिलेगा ही नहीं। अब देखिए, चेंज ऑफ जॉब, लीविंग जॉब, ये हम पढ़ा चुके हैं, फिर से पढ़ा दे रहे हैं, ये उन्हीं का है चेंज ऑफ जॉब। देखिए, दिस इज द, ये राइटअप अलग है इसलिए कि हमने इसको एक बार आपको चैप्टर में पढ़ा चुका, तो इसे उस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा हुआ था, सेम है। दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ अ गर्ल हु वेंट अब्रॉड इन दिसंबर 2000 ड्यूरिंग राहु वीनस मार्स फॉर गोइंग फॉर फॉरेन जर्नीज। मर्करी इज 12th सबलॉर्ड, रिपीट है, एंड सिग्निफाइज 9th एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ राहु। देखो नहीं, ये लाइन मिस हो गई, फॉर गोइंग अब्रॉड 12th सबलॉर्ड इज मस्ट हैव कॉम्बिनेशंस ऑफ 9th, ये रिपीट है, ऊपर लिख चुके हैं हम, ठीक है। सिग्निफिकेशन मार्स प्रत्येंद्र 3rd दिखाया, तो लीविंग योर रेजिडेंस, फॉर गेटिंग अ जॉब दसेस ऑफ 10-6-12 राहु, एंड ये हो चुका है। देखिए कहां से नया है, मार्स रेजिडेंस हो गया। वन ऑफ द कंडीशंस फॉर गेटिंग अ जॉब इन केपी दैट योर 10th सबलॉर्ड शुड हैव सम कनेक्शन विद 6th, राहु आल्सो रिप्रेजेंट्स मर्करी सो सिग्निफाइज 7th, व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर सेटलमेंट अब्रॉड। 7th इज एन इंपॉर्टेंट, 7th में सेटलमेंट तो करते ही हैं आप, स्पेशली अगर आप अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे या स्पाउस के साथ जाएंगे तो 7th और भी स्ट्रॉन्गली आता है। अब देखिए, लीविंग जॉब, डूइंग बिजनेस, डूइंग जॉब अगेन अलोंग साइड विद बिजनेस। फॉर लीविंग जॉब दसाज ऑफ 159 हैव टू प्ले आउट साइमल्टेनियसली।
आप पूछ रहे थे ना जॉब, और कौन पूछ रहा था अभी, जॉब और बिजनेस? मैं ही पूछ रहा था सर। हाँ देखिए, लीविंग जॉब डूइंग बिजनेस, डूइंग जॉब अगेन अलॉन्ग साइड विद बिजनेस, ये एक बार पढ़ा चुका हूँ, फिर से पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर लीविंग जॉब द साइज ऑफ 159 हैव टू प्ले आउट साइमल्टेनियसली, व्हाई? बिकॉज दे आर द नेगेटिंग हाउसेस फॉर जॉब गिविंग हाउसेस 2, 6, 10। इफ वन वॉन्ट्स टू चेंज हिज हर जॉब, the dasas of 159 and 2610 must run simultaneously, tab aap job change karenge, ek chhodenge dusra uthayenge, simultaneously for the event, that is the job change to happen. The girl changed her job during Jupiter, Saturn, Mercury, Mars, Saturn 26/2/2009 ko. Jupiter 2511 at the stellar level and 16 through sublord Saturn. Saturn 1612 at the stellar level and 29 through sublord Venus. Mercury 7439 at stellar level and all significations of Rahu the sublord. Mars 8510 at star level and 8510 through sublord, and also its own sub, it is in its own sub. All significations 159 2610 are strongly manifesting during this time. So चेंज ऑफ जॉब, एक जॉब छोड़ा दूसरा जॉब उठाया, देखिए वो साइमल्टेनियसली प्ले आउट करेगा। आप एक नौकरी कर रहे हैं एंड यू नो यू आर अप्लाइंग फॉर अनदर जॉब, ये तो चल ही रहा है नौकरी, तो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अनदर जॉब, आप नौकरी जब छोड़ने का प्लान कर रहे हैं या छोड़ दिया आपने या छोड़ रहे हैं, तो 159 भी चलेगा और साथ में नया नौकरी लेंगे तो 2610 भी चलेगा। 11 अगर आ जाता है तो इट विल बी अ वेरी गुड स्विच, 11 अगर आ जाता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। ओके, ये तो इन्होंने जॉब जो है चेंज किया है ना। अगेन द गर्ल लेफ्ट हर जॉब ड्यूरिंग जुपिटर मार्स सैटर्न, जुपिटर 5 मर्करी 9 एंड सैटर्न 1। बिफोर लीविंग हर जॉब हाउएवर शी हैड स्टार्टेड हर ओन बिजनेस, जॉब छोड़ने के पहले इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था ऑफ अ ब्यूटी पार्लर ड्यूरिंग Jupiter, Mercury, Saturn, Mars. For doing business, one's 10th sublord should have connections with 7th house, which is for business. Here, the 10th sublord Jupiter has connections with the 7th house through its star lord Rahu, which represents Mercury, a significator of the 7th house. If the 10th sublord has connections with both 6th and 7th houses, one can do both service and business simultaneously. Here Jupiter, the 10th sublord, is also connected with the 6th through its sublord Saturn. The girl again took up a job in Jupiter, Mars. Ek job choda, business kiya. Phir again the girl took up a job in Jupiter, Mars, Mercury, Venus, Saturn. Phir se jo hai job. Yeah, the girl again took a job. Please note that Jupiter, the 10th sublord, is also the lone significator of the 11th house. This is a very strong combination. Agar aapka Jupiter untenanted jo hai, second ka hai, aur 10th ka significator untenanted sublord hai, aur 11th ko bahut strongly signify kar raha hai, this is a very, very strong signification. Matlab aap, you can do whatever aap, you khali success hi success hoga. प्रोफेशनल लाइफ की बात हो रही है, ठीक है, पर्सनल लाइफ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मे नॉट बी ऑल दैट प्रॉमिसिंग, द इमोशनल साइड और यू नो द मैरिटल साइड मे नॉट बी ऑल दैट वेरी प्रॉमिसिंग, बट प्रोफेशनली ये देखिए, प्लीज नोट दैट जुपिटर द 10th सबलॉर्ड इज ऑल्सो द लोन सिग्निफिकेटर ऑफ 11th हाउस, यहाँ देखिए लोन सिग्निफिकेटर एक टेबल में देखिए, ठीक है, लोन सिग्निफिकेटर of the 11th house, the house of fulfillment of wishes, and thus pretty much does this girl does whatever she wants to, a good combination to have. Abhi inka she is doing a success, very successfully she is doing it, placed well in a job abroad hai, placed well in a job, and she has unka ek beauty parlor ka salon ka business bhi chalta hai, theek hai. Please also note that Rahu, the 7th sublord, justifies her beauty parlor business, as its sublord is Venus. Rahu, jo 7th ka sublord hai, wo
उसका सब लॉर्ड वीनस है जो कि इज द कारका फॉर दिस बिजनेस. और दिस इज हाउ यू नो, मतलब आप हॉरोस्कोप को स्टडी करके प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, उसको और लंबा बनाना चाहे और लंबा बना सकते हैं. दशांतर दशा खोल लीजिए, देखिए उस आदमी की महादशा कौन सी चल रही है, महादशा को देख लीजिए कैसा है. मेन अंतरदशा लॉर्ड है, मतलब अंतरदशा लॉर्ड 2 साल 3 साल 4 साल साढ़े वीनस की अंतरदशा वीनस में करीब करीब 4 साल ऑलमोस्ट चलती है. तो इस बेसिस पर पहले आपको, लेकिन यू हैव टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द हॉरोस्कोप बाय डिसाइफरिंग ऑल द कस्पल सब लॉर्ड सिग्निफिकेशंस ऑफ ईच हाउस. मेरा अपना ये विश्वास है कि उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है. बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स जो पढ़ाते भी हैं वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, प्लीज डोंट इग्नोर दिस. ओके, आई हैव हर्ड वन एस्ट्रोलॉजर से कि बस यहीं तक आपको करना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है. कस्पल सब लॉर्ड का सब लॉर्ड नहीं देखना है, विच इज रॉन्ग. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, के एम सुब्रमण्यम की किताबें आप लोग पढ़िए, सब लॉर्ड स्पीक्स, उसमें बहुत साफ साफ जो है लिखा हुआ है. अमित जी मैंने आपको बताया था, याद है ना? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. के एम सुब्रमण्यम की किताबें पढ़िए, वो कृष्णमूर्ति जी के नंबर वन शिष्य थे और उनका अपना भी रिसर्च है. Where he says, yes, sir, उन्हें अपनी बुक्स में लिखा, इवन प्लैनेट और नक्षत्र लेवल पे भी इवेंट नहीं आ रहा है, सब लॉर्ड पे तब भी आपको सब लॉर्ड कई बार देखना पड़ता है विदाउट यू नो फाइनली स्टडिंग द सब लॉर्ड या कस्पल सब लॉर्ड का सब लॉर्ड. कस्पल सब लॉर्ड का सब लॉर्ड मतलब कस्पल सब लॉर्ड के सब लॉर्ड का स्टार लेवल सिग्निफिकेशन वो आप देखिए, तभी आप फाइनली बता पाएंगे इवेंट होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा. मतलब कस्पल सब लॉर्ड के स्टार तक देखिए. यस, आप देखिए उनकी किताबों को पढ़िए, देखिएगा उसको ध्यान से पढ़िएगा. लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है आपको, मतलब उसमें मतलब बहुत खराब अंग्रेजी है, मैं यही कह सकता हूँ. ठीक है, आपने उसमें देखा होगा वो मोटरसाइकिल खरीदना चाह रहे थे, उसका उदाहरण होगा एक, अगर आपने पढ़ा है ना. उन्होंने कहा कि मैं बोलने वाला था कि हाँ हो जाएगा डील, बट देन आई थॉट लेट मी लुक एट दी कस्पल सब लॉर्ड एंड इट सब लॉर्ड, देन आई सॉ कि नहीं ये तो नहीं होगा डील. तो इसको यू मस्ट देखिए, शॉर्टकट नहीं है केपी में, प्लीज लेट मी टेल यू देयर इज नो शॉर्टकट इन केपी. आप इसको आप लोग पढ़िए और ये सारा हमने देखिए, सारा जो है आपके लिए यहाँ पर, जब आप इसको राइटअप इसका पर, इस राइटअप भेज चुका हूँ मैं, ये सारा हमने दोबारा से यहाँ पर उतार दिया है जिसमें कि आपको वापस जाकर के फिर बार बार नहीं देखना पड़े. सारे देखिए सिग्निफिकेटेड टेबल्स भी हमने जो है बार 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 सिग्निफिकेटेड टेबल्स भी सारे दे दिए हैं. ठीक है, तो आपको बार बार जो है वो जाकर के देखिए, मरकरी जो है 12th लॉर्ड कस्पल सब लॉर्ड अनटेनेंटेड है. ये सारा आपको एवरीथिंग आई हैव गिवन फॉर यू. यहाँ पर राहु केतु को भी, के सिग्निफिकेशंस को भी हमने यहाँ रिपीट कर दिया है. अनटेनेंटेड प्लैनेट्स को यहाँ रिपीट कर दिया है, अनटेनेंटेड कस्पल सब लॉर्ड्स को यहाँ रिपीट कर दिया है. सो देयर इज एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू वेट राइट अप, आप इसका निकाल लेंगे. इसी प्रकार से आपको हर एक हॉरोस्कोप जो है, एक क्वेश्चन था जी, वो आप स्क्रॉल करेंगे फॉरेन वाला का जहां एक्सप्लेन करा आपने सर, इसमें हाँ जी बस इसमें जैसे वो वेंट अब्रॉड का पीरियड है राहु वीनस मार्स, क्योंकि मार्स थर्ड हाउस का स्ट्रॉन्गली सिग्निफाई कर रहा है, तो इसलिए उसने इवेंट को एक्टिवेट कर दिया. जी जी, तो अगर वहां मार्स के साथ में मान लीजिए ए बी या सी लेवल पे कोई और प्लैनेट भी होता तो क्या वो भी रोल प्ले कर सकता था? कर सकता था, उसके सब लॉर्ड को आपको देखना पड़ता. ओके, मैंने आपसे एक चीज बताया है, देखिए आपको मैं बताता हूँ बार बार, ये जो थर्ड या फोर्थ लेवल के जो ये सिग्निफिकेटर्स होते हैं ना, अनटेनेंटेड है तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए चारों कॉलम भरी हुई है, अगर जैसे ये है, ये चारों कॉलम भरी हुई है, इसका सन 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 तो ये चारों में है, तो सन तो स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेट, कोई भी से चारों कॉलम भरी हुई है ये, और ये अकेला एक प्लैनेट है, तो ऐसा है क्या कि ये ओनर होकर के रिजल्ट नहीं देगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को तो हम आउट ऑफ द विंडो फेंक दे रहे हैं ना. इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं होता है. ये भी रिजल्ट देगा, लेकिन कैसा रिजल्ट देगा इसका, इसके लिए आपको इसके सब लॉर्ड की स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी.
अगर इसका सबलॉट जो है प्रॉमिसिंग है, इंप्रूविंग हाउसेस को दे रहा है इसका सबलॉट, या सेवेंथ का मान लीजिए मैरिज देख रहे हैं, सपोज सन यहाँ नहीं है और जगह नहीं है, खाली सन यहाँ है, ठीक है, तो क्या सन एज ओनर एज द डी लेवल सिग्निफिकेटर क्या सेवेंथ का कोई भी रिजल्ट नहीं देगा? ऐसा नहीं है, वो रिजल्ट तब ही नहीं देगा जब इसका सबलॉट जो है वीक होगा। अगर इसका सबलॉट स्ट्रांग होगा तो डी लेवल सिग्निफिकेटर भी अपने दशा अंतरदशा में रिजल्ट देता है, ये ध्यान रखिएगा। यू हैव टू लुक एट दिस सबलॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, राइट, ठीक है। एंड दूसरी बात, कस्प का रिजल्ट जो है ना, ये कस्प ये सिग्निफिकेटर्स तभी देंगे पॉजिटिव रिजल्ट्स जबकि उस कस्प का सबलॉट भी पॉजिटिव होगा, नहीं तो ये देंगे रिजल्ट लेकिन बहुत, जैसे मान लीजिए सपोज कि 11th हाउस में बहुत सारे भरे हुए हैं, मान लीजिए 4-5 प्लैनेट यहाँ पर हैं, ठीक है, लेकिन 11th कस्प सबलॉट खाली जो है 8th और 12th को दिखा रहा है, तो ये इसका मिलेगा 11th का ऐसा, लेकिन जैसे 11th और कम मिलना चाहिए वैसे स्ट्रांगली नहीं मिलेगा, मिलेगा अड़चनों के बाद मिलेगा, बहुत नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये दरवाजा है इवेंट का, कोई भी इवेंट, क्यों बोलते हैं कि सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड अगर मैरिज को नहीं सिग्निफाई कर रहा है, मैरिज गिविंग हाउस को, तो शादी नहीं होगी। समझाने के लिए सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि उस दरवाजे इसने सेवेंथ हाउस के दरवाजे को बंद कर दिया सेवेंथ कस्पल सब लॉर्ड ने, अगर वो नेगेटिंग हाउसेस को खाली दिखा रहा है और मैरिज गिविंग हाउसेस को नहीं दिखा रहा है थ्रू स्टेलर एंड इट्स सबलॉट सिग्निफिकेशन, उसने दरवाजे को बंद कर दिया, तो कितना भी स्टेलर सिग्निफिकेशन सिग्निफिकेटर दम लगा लेंगे इवेंट नहीं होगा। दैट इज व्हाई स्टडी ऑफ द कस्पल सबलॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सर, थैंक यू। ठीक है ना, चलिए फिर हम आज के सेशन को, हम इसको आप लोग समझिए, बैकग्राउंड आप लोगों का कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत हमारे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत होगी और नेक्स्ट वीक हम फिर, अब मेरा तो मेरी कोर्स खत्म हो गई अब, ठीक है, अब मैं आपको रेमेडियल मेजर्स बताऊंगा और एक जनरल क्लास रखता हूँ, ठीक है सर। जैसे डीबीए में कोई प्लैनेट सिलेक्ट करना है वो इवेंट को वीक लेवल पे सिग्निफाई कर रहा है सर, लेकिन उसका सबलॉर्ड यदि स्ट्रॉन्ग है तो अपन उसको हाँ, तो वो देगा रिजल्ट, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ये कोई बताता नहीं है, मेरा काम है, फर्ज है बताना, आई शुड नॉट यू नो देखें वीडियो सर, मगर ये सबलॉट के बारे में डिटेलिंग में नहीं बताया सर। तो फिर चलिए, इट वाज वेरी नाइस विथ ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा रहा। जरा आप लोग अपना फोटो खोल दीजिए दो दो मिनट के लिए, पता नहीं ये हमारा लास्ट रेगुलर क्लास है इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग दो दो मिनट के लिए अपनी फोटो खोल दीजिए और हम लोग बस बात करके, बाई तो नहीं कर रहे हैं, दो क्लास, एक दो क्लास हम और करेंगे, बट ये रेगुलर क्लासेस का हमारा, किसी में हमने देखिएगा ये 27 लेसन नंबर 27 है, 29 तक मेरा गया है, लेकिन आपके बैच में हमने दो दो लेसन को कई जगह कंबाइंड कर दिया था, इसीलिए काउंट में वो जो है पढ़ाई कहीं कम नहीं हुई है, काउंट में वो दो लेसन कम। तो एनीवे, थैंक्स वेरी मच फॉर यू नो सर, रेमेडी की क्लास, हाँ मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीक करूंगा रेमेडी की क्लास, लेकिन उसके लिए आप तो समझ लेंगे जिसने वैदिक किया हुआ है, रेमेडी में पढ़ाऊंगा, फिर देवी प्रसाद जी चले गए लगता है, वो आजकल कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है, पहले तो बहुत पूछते थे, ड्यूटी रहती है सर। हाँ सर, बढ़िया रहा आपसे, अच्छा अच्छा लगा, काफी पढ़ के काफी कंसेप्ट क्लियर हो गए जो पहले नहीं थे। चलिए अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, एंड यू कैन ऑलवेज कीप इन टच, मतलब ऐसा है ना, और मेरे मेरे फ्यूचर बैचेस में भी अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। चलिए, ओके, बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू सर।